एक और हादसा जो है चिनाब वैली में दिखने को मिल रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि चिनाब वैली में जो है लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार जो है बहुत सारे लोगों की जानें जो है चिनाब वैली में जा रही है। और आज की हम बात करें, आज एक और हादसा जो है जट्टी असर से हमारी जो जानकारी मिली है, जट्टी असर में एक और हादसा जो है आज हुआ है। और इस हादसे में लगभग बताया जा रहा है कि 3 लोग जो है गाड़ी में मौजूद थे। और जो गाड़ी थी टाटा मोबाइल 407 जिसका नंबर जो है JK06A9755 जो है गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है। और ये गाड़ी जो है ठीक जट्टी असर के पास जो है पलटा खा के जो है बिल्कुल रोड पे गिरी है। इस बार गाड़ी जो है खाई में नहीं बल्कि रोड में गिरी। और इसमें जो जानकारी हमें मिली है 3 लोग थे, और जो 3 लोग इसमें मौजूद थे उनका नाम जो है सुहेल अहमद सना, फारूक अहमद, जिनकी उम्र जो है 17 साल बताई जा रही है, जो कि दंसल असर के रहने वाले थे। उसके अलावा सजाद अहमद जो सन ऑफ अब्दुल्ला शेख, उनकी उम्र जो है 28 साल बताई जा रही, जो कि दंसल के ही रहने वाले थे। उसके अलावा अबू बकर सन ऑफ निसार अहमद, जिनकी उम्र जो है 16 साल बताई जा रही, वो भी दंसल के रहने वाले थे। और इनमें से जो सुहेल अहमद है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे। सबसे पहले उनको असर PIC जो है शिफ्ट करके जो है GMC डोडा लाया गया था, और इस यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चोट जो है काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके बाद GMC डोडा से जो है उनको अब शिफ्ट जो है जम्मू GMC जो है कर दिया गया है। और उसके अलावा जो 2 लोग वहाँ पर और ज़ख्मी थे, जिनका नाम सजाद अहमद है और अबू बकर है, वो अभी तक पहले ट्रीटमेंट जो उनका चल रहा था PIC असर में चल रहा था, उसके बाद उनको भी शिफ्ट करके जो है अब GMC डोडा लाया गया। यानी जो 2 लोग वहाँ पर ज़ख्मी थे उनको अभी GMC डोडा लाया गया, और सुहेल अहमद जो पहले GMC डोडा लाया गए थे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे, उनको GMC डोडा से GMC जम्मू जो है शिफ्ट कर दिया गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल वो अभी हैं, और ख़ास तौर पर GMC डोडा से उनको जो है जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। ये एक्सीडेंट जो है लगातार चिनाब वैली में हो रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि चिनाब वैली हादसों का हब जो है बन चुका है, लगातार जाने जा रही है, लेकिन इस पे कोई भी रोकथाम जो है नहीं हो रहा है। हर दिन आपने सुना होगा कि पहले भी नेशनल हाईवे 244 पे हादसे हुए, प्रेमनगर रोड पे हादसे हुए, प्रेमनगर से पीछे कराड़ा पे हादसे हुए, और भी बहुत सारे लोग, और जिस जगह ये हादसा हुआ असर वहाँ पर पहले भी बहुत सारे हादसे हुए, लेकिन हर बार जो है गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी हो और पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता था या ऑन स्पॉट डेथ जो है होती थी। लेकिन इस बार जो है गाड़ी बिल्कुल रोड पे गिरी है और 3 लोग उसमें मौजूद थे, उनमें से जो है एक शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जो था, जिनको GMC डोडा जो है लाया गया था, और GMC डोडा में ट्रीटमेंट जो है चल रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने के बावजूद चोट जो है काफ़ी ज़्यादा थी, उनको GMC जम्मू जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। जो पेशेंट के फैमिली थी उनका साफ साफ कहना था कि एयरलिफ्ट अगर करते तो काफ़ी बेहतर रहता, लेकिन किसी कारण से जो है एयरलिफ्ट नहीं किया गया, उनको बाय रोड जो है GMC जम्मू जो है शिफ्ट कर दिया गया। उसके अलावा जो बाकी 2 लोग ज़ख्मी थे PIC असर में थे, उनको भी GMC डोडा जो है लाया गया, और ख़ास तौर पर उनका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर चल रहा है। अभी तक की बड़ी खबर यही थी कि चिनाब वैली में जो है हादसे हो रहे हैं, और अभी भी कुछ देर पहले जो हादसा जट्टी असर में हुआ, और जिसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि 1 जो था उनको शिफ्ट जो है GMC डोडा, और GMC डोडा से अब GMC जम्मू जो है शिफ्ट कर दिया गया, और जो 2 लोग ज़ख्मी थे उनको GMC डोडा लाया गया, और GMC डोडा में उनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। और काफ़ी टाइम से जो है लगातार चिनाब वैली में आपने देखा होगा हर बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर बार जो है हादसे, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी कदम ले रही है, नेशनल हाईवे पे जो है क्रैश बैरियर कुछ जगहों पर जो है लगाए तो जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में हादसे रुकते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर थी लगातार हादसे हो रहे हैं, और आज भी हादसा हुआ ठीक जट्टी असर के पास हादसा हुआ, और उसी लोकेशन के आसपास जो है हर बार जो है हादसे हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों की जाने जो है वहीं पर जाने मतलब वहाँ पर जाती है, और बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल उस हादसे का शिकार रहते हैं। लेकिन इस बार हादसा हुआ, और हादसा खास तौर पर जो है जट्टी असर के पास हुआ, और पहली बार जो है गाड़ी देखने सुनने में आया है कि अभी वो गाड़ी जो है खाई में नहीं गिरी है, बल्कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल रोड में है, और जिसको लेके जो है उन पेशेंट्स को जो है GMC डोडा और कुछ को यहाँ से GMC जम्मू जो है शिफ्ट कर दिया गया है। आगे की जो जानकारी रहेगी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो आप तक पहुँचाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह पेशेंट जो है क्रिटिकल था, पेशेंट को जो है असर से जो है डोडा लाया जा रहा था, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल जो है वो काफ़ी अच्छा था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर निभाया, और खासतौर पर जो एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही थी बिल्कुल रास्ता क्लियर कराया, और बिल्कुल कोई भी वक्त ना गवाना
चाहा और उनको जो है जल्द से जो है जीएमसी डोडा लाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो है पेशेंट को यहाँ से जो है शिफ्ट करना पड़ा। उसके अलावा दो पेशेंट अभी यहीं पर है, उनका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर चल रहा है। आगे की जो जानकारी रहेगी कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और लगातार हादसे जो है चिनाब वैली में हो रहे हैं, इसमें भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या किस तरह जो है इन हादसों को रोका जाएगा। और जो आज का हादसा हुआ उसका कारण जो है अभी तक मालूम नहीं चल पाया है, हादसा किस कारण से हुआ, स्पीड थी, क्या कुछ था, वो सब चीज़ें जो है अभी तक नहीं चल पाई है। लेकिन जो बड़ी खबर अभी तक यही थी कि चिनाब वैली में फिर से हादसा हुआ, जट्टी असर के पास हादसा हुआ और तीन लोग जो है उसमें जख्मी थे, एक जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, उनको शिफ्ट जो है जीएमसी जम्मू, पहले डोडा और फिर जीएमसी जम्मू, और दो लोगों को जो है जीएमसी डोडा शिफ्ट कर दिया गया। नाम आपका है।